फ्रेंड्स, इस वाला विषय बैठ के ना देखता का भी टाइम हो रहा है सुबह के, और 7:30 हो रहे हैं, मतलब 7:30 हो रहे हैं। एंड अभी भी बूंदाबांदी बारिश अभी भी हो रही है, एंड कल रात से लगातार बूंदाबांदी बारिश चल रही है यहाँ पे हमारी दिल्ली में। एंड बात करूँ ठंड की, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड ये जारी कुछ ट्रेन जा रही, चौक आवाज़ जा रही है, चौक आवाज़ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आपका आज के दिन बढ़िया बिंदा जका फ्रेंड शुभ जाए। एंड सबसे पहले तो आपके व्लॉग शेयर की तरफ से एक सॉरी भी, क्योंकि जो कल व्लॉग आया था उसमें जो मैंने जैसे एडिट किया था तो गाना थोड़ा सा जो मैंने उसमें ट्यून लगाई थी थोड़ा सा पीछे आगे हो गया था, ट्यून थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, प्लस कुछ गलतियाँ हुई थी कल जो मैंने वीडियो एडिट की थी, मैं तब ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब इंसान ऐसे सब गलतियाँ करके आगे सीखता है, तो बाकी ऐसे आगे सीख रहा हूँ मैं बिल्कुल। अब आगे से पर ध्यान दूंगा इन सब में भी, क्योंकि देखो आप सब हम सब एक फैमिली के हैं, तो ये मैं फर्स्ट बनता है कि मैं आपको जो चीज़ बना कर दूँ प्रॉपर दूँ, लेकिन उसमें कोई अगर गलती है तो वैसे मुझे भी ऐसा शौक है तो मैं जब अपना जब मैंने वीडियो डाली जब मैं सुबह यूट्यूब में, तो मैंने ध्यान दिया कि इसका जो सॉन्ग था थोड़ा सा पीछे आगे हो गया था, तो कोई बात नहीं। आप बाकी मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा इन सब में, तो बस तो आप अपना प्यार बनाए रखें मुझ पर एंड मुझे आगे आगे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। एंड तो चलो फ्रेंड, सब पापा में बाहर कुछ काम से गए हैं, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर, मिलते हैं तो आप अपना ध्यान रखिएगा, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड हाँ, हमारी मॉर्निंग टी एक्चुअली हो चुकी है, मैं आपसे बोलना भूल गया, हमने मॉर्निंग टी पी ली है। मॉर्निंग टी पीने के बाद पापा मम्मी कुछ काम से बाहर गए हैं सुबह, एंड और बहन एक ड्यूटी में जा चुकी है और एक अभी सो रही है, वो भी तो वो भी जाएगी अभी ड्यूटी पे। तो सो फ्रेंड्स, ये हाल चाल है। मौसम होता है तो मौसम ठंडा हो गया, आप देख सकते हो मैंने जैकेट पहनी है, ये गर्म जैकेट है, बस ये एक पहन लो, एक जैकेट काफ़ी होती है। तो यही है फ्रेंड्स, तो चलो अब थोड़ी देर मिलते हैं ब्रेकफास्ट के साथ, जब भी मिलेंगे ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद जब भी मिलेंगे, टिल फ्रेंड ध्यान रखना आपको, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये यहाँ का सुबह का माहौल है, पूरा सड़क में पानी पानी नहीं, लेकिन अब कितने टाइप हो गए क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, तो कल रात से स्टार्ट हुई थी और कल पूरा दिन बूंदाबांदी होती रही और अब आज भी लगातार हो रही है अभी भी। तो जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले मिला था फ्रेंड्स, तो सोचा चलो आपको दिखा दूँ, मैं एक बार दिखा दूँ पूरा क्लियरली विजन की हमारा कैसे है। एंड तो भी जैसे 7:30 का टाइम हो रहा है आपका भी, एंड आप अपना ध्यान रखिएगा, खासकर इस मौसम में स्वेटर वेटर पहन के रखिए, क्योंकि अभी के मौसम में बहुत मतलब ठंड बढ़ गई है, एंड ठंड बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, तो ये मौसम में तो असल में हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, तो चलो फ्रेंड्स, सब थोड़े मिलते हैं ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में जब भी मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखना, आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो फ्रेंड्स, ऐसा लोग बाकी ना दे सप्ताह का भी टाइम हो रहा है, ब्याह के 10:20 हो रहे हैं। सो ये जस्ट मैं कुछ टैल कर रहा था, टैल किस चीज़ आपको पता लग गया होगा, जैसे कि ये आपको दिखेंगे ईयरबड्स, ये मुझे मैंने लिए हैं, एंड आई होप ये अच्छा लग रहा होगा, ईयरबड्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये जस्ट आज आए हैं, तो इसका टैल चल है। तो पहले मैंने बात की थी वीडियो कॉल में मम्मी से, तो उसमें तवा से एकदम क्लियर आ रही है, तो ये मैं सोचा चलो साथ साथ एक व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, साथ साथ साउंड का भी चेकिंग हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी आपका टाइम हो गया 10:20, एंड अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है बेसिकली, एंड इसे बैठे हुए थे, मैं लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, आपको दिख रहा होगा, एंड सामने मैं अपना ही बैठ के व्लॉग देख रहा था कि भाई व्लॉग कैसे है, बढ़िया है कि नहीं है। एंड मम्मी अपना काम में किचन में है, पापा ऐसे घूम रहे थे थोड़ा सा। तो चलो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, आप भी टाइम से ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, टिल अपना ध्यान रखना, स्वेटर वेटर पहन के रखो, बाहर ज़्यादा मास्क पहन के रखो, तो मिलता है थोड़ी देर में, सो टेक केयर योरसेल्फ। सो हेलो फ्रेंड्स, ये सब लोग शरीर बैक हो गए ना, देख सकते हो ना, अभी मैं छत में आया था, टंकी का ऐसे ढक्कन हमारा उड़ गया था, ढक्कन कहीं गुम हो गया गिर के, तो वो ठीक करने के लिए आता है। अब देख सकते हो मैं छत से है ना, जो मैं बताऊँ जैसे ट्रेन जाती है
तो देखो ये जगह जहाँ से ट्रेन जाती है हमारे छत के ऊपर से, ये जगह जहाँ से ट्रेन जाती है, ये हमारी घर की छत है, ये हमारे सामने वाले घर है, ये उस साइड से जाती है ट्रेन। तो आप देख सकते हो हमारी छत का व्यू, आप देख सकते हो। वैसे छत का व्यू मैं पहले भी व्लॉग में आया था बट लेकिन इतना प्रॉपर मैं दिखा नहीं पाया था। तो आप देख सकते हो हमारी छत का व्यू है, ये हमारा दिखा होगा। एंड हमारी छत का, जैसे कि हमारे छत का ढक्कन मिट गया था तो वो इतनी करने के लाया था, इसे देसी जुगाड़ किया है। तो देख सकते हो पहले हमने लगाया कपड़ा मोड़ गया, मतलब कपड़ा लगाया फिर धागे से बांधा, उसके बाद फिर छोटी टंकी का ढक्कन था वो रखा, छोटी टंकी का ढक्कन, फिर ऊपर दो तीन पत्थर रख दिया, तो एक से ढक गया। लेकिन अभी भी इसका ढक्कन एक लाना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसे टाइम पर जुगाड़ हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये हमारी छत का व्यू है। एंड आपको चीज़ दिखाता हूँ, वह देख रहे हो लोटस टेम्पल, आपको मैं दिखाता हूँ मैं घर से, ये रहा ये हमारे घर की छत, बिल्कुल ऐसे दिखता साफ लोटस टेम्पल। तो ये हमारी छत का व्यू है जैसा आपको दिख रहा होगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ नीचे, हम मिलते हैं नीचे घर पे। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नीचे पहुँच के। हेलो फ्रेंड्स, सलोकेश्वर बैक इन, देख सकते हो आपका भी टाइम हो रहा है 1:30 हो रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको अभी अपने छत का व्यू दिखाया था, सामने से ट्रेन भी जाती है, वो भी आपने देख लिया बिल्कुल क्लियर व्यू। एक्चुअली ये ट्रेन हमारी घर की सामने भी घर है तो उसके पीछे से जाती है ये ट्रेन। तो मतलब जैसे है ना, जब ट्रेन जाती है तो घर के सामान भी सब हिलते हैं। तो जब हम पहले आए थे तो हमें इतना फील होता था, लेकिन अब जब भी जाते तो फील नहीं होता। तो अब इसी वजह से यहाँ पे हमें इसका एक फायदा और हो गया, जैसे कि अर्थक्वेक जब भी है ना, जब भी आता है अर्थक्वेक तो सब बंदे डर जाते हैं, पर हमें ये होता है कि चलो कोई ट्रेन जा रही होगी, तो एक हमें एडवांटेज हो गया है। तो फ्रेंड्स, बाकी आज से सब बढ़िया बिंदा चकास है। एंड यहाँ पे अभी किचन में खाना बन रहा है, एंड बीन्स बनी है मेरे ख्याल से, बीन्स साथ में चावल है, एंड पापा मम्मी है किचन में खाना वाना बना रहे हैं बैठ के। एंड एक बहन, जैसे आपको पता ही है, ड्यूटी पे है और अभी एक आने वाली है, एक की अभी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है। एंड मैं तो सर लैपटॉप में काम कर रहा था, आपको दिख रहा होगा मैं लैपटॉप में काम कर रहा था एंड साथ साथ ऐसा गाने सुन रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ, आप सब सोचोगे मैं हमेशा घर में ये जैकेट पहन के रखता हूँ, एंड आप देख रहे होंगे मैं सुबह ना देखो फ्रेश होकर आता है, बाल में मत जाना आते हैं। एक्चुअली मैं अपने बाल बड़े कर रहा हूँ, बड़े करने के बाद मैं कोई ना एक बहुत स्पेशल ओकेशन आ रहा है तो मुझे उसमें एक अपने बालों का एक बढ़िया सा स्टाइल करवाना है, तो उसके लिए बाल होने चाहिए, इसलिए मैं बाल तो से बड़े कर रहा हूँ। वैसे मैं अपने बाल कटवा लेता हूँ लेकिन कुछ एक आ रहा है खास ओकेशन, इसलिए मैं बाल बड़े कर रहा हूँ मैं। एंड बाकी नॉर्मल मैं ना के आके मैं मुझे घर में है, मैं अगर घर पर होता हूँ मैं अपना देखो सिंपल आता हूँ, आपको दिख रहा होगा पजामा अंदर मैंने पहनी है, वो टी शर्ट पजामा टी शर्ट जैकेट। मुझे घर पे सिंपल पहनना पसंद है, मुझे जीन्स विंस पैंट पहन के घर में बैठना, मुझे ना घुटन सी फील होती है, मुझे अपना फ्री होकर बैठ पसंद है, वो बेशक कहीं बाहर भी जाना मैं अपना आराम से फ्री होकर जाता हूँ। हाँ जी, तो बाकी चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है, आप भी लंच टाइम पर कर लेना। तो हम लंच के बाद जब भी मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, मिलते हैं थोड़ी देर में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शेयर बैक करना, देखो का भी टाइम हो रहा है 4:50, मतलब 5 मिनट के लिए बचे 10 मिनट। सो बेसिकली अभी हमने लंच कर लिया है थोड़ी देर पहले ही, एंड बैठ के ना ऐसे से बैठ के बात करते, पापा मम्मी मैं और बहन भी आ गई थी ड्यूटी से, तो हम बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे, तो सोचा अपनी फैमिली से मिल लिया जाए। तो बाकी आते सब बढ़िया है, आई होप कि वहाँ पे अपना खाना लंच आपने कर लिया होगा अच्छे से, एंड बिल्कुल करिएगा क्योंकि अभी के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो हाल चाल बताओ मौसम का, तो भाई मौसम का धूप आ चुकी है, धूप वैसे अच्छी बात है, धूप आनी थी, धूप ना आती तो ठंड से भैया लोगों की कुल्फी जम जाती। एंड ठंड क्यों हुई है अभी इसका न्यूज़ में एकदम देख रहे थे, हिमाचल में एक्चुअली अभी बर्फ गिरी है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंड का थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन चलो अभी मौसम थोड़ा सा सही हो गया है, एंड अभी थोड़ी धूप आ गई यहाँ पे, तो आज तो हम पार्क में जा ही पाएंगे, आज तो पार्क में जा पाएंगे घूमने के लिए, तो आज मज़ा आ जाएगा। जैसे आपको पता है मेरी बस स्टार्टिंग से एक हॉबी है, जैसे स्टार्टिंग से नहीं
मतलब जब से मैं मतलब मुझे बचपन से आता है घूमना फिरना, पूरा अपना हेल्थ हेल्थ में ध्यान देना, मतलब हमेशा पार्क में जाना, प्रॉपर अपना बॉडी मेंटेन करना। तो अगर ये नहीं होता मुझे बहुत टेंशन सी हो जाती है, एंड मैं मतलब ऐसा होता है कि मेरी बॉडी बैठ जाती है, तो इसलिए मैं कल जा नहीं पाया था, इसलिए बहुत से बैठ गई थी। लेकिन आज धूप आ गई है तो इट्स अ गुड न्यूज़। तो बाकी पापा तो हर से काम कर रहे हैं, एंड मम्मी और बहन उसमें लेटे हैं, एंड ये बैठे हमारी दो मारती कुकुन की दोनों बैठे हैं, आपको तो दिख रहा होगा। तो चलो फ्रेंड्स, सब चाहे टी टाइम में या पार्क में जब भी मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, सम टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शेयर बैक ना देख सकते, आपका भी टाइम हो चुका है 7:20, एंड मैं शाम को थोड़ा पार्क में घूम के आ गया था। एंड बट जैसे कि आप जानते हो, जब मैं पापा घूमता हूँ मैं अपना व्लॉग शूट नहीं करता, क्योंकि घूमते टाइम मुझे अपना पापा घूमना होता है। तो घूम के आ गया था पार्क में मैं, जैसे आप जानते हो मैं 6 बजे मतलब 6:10 6:15 में घर से निकल गया था, एंड घूम के वापस आ गया था। तो आपका भी टाइम हो रहा है 7:20 के आसपास, सो रहे हैं तो फ्रेंड्स साहब आपसे बढ़िया होंगे, आप सबने शाम की चीप आपने शाम की चाय पी ली होगी। फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, आप देख सकते हो कि वैसे मैं घूम के आके मैं जैकेट नहीं पहनता, बट मैंने आज जैकेट पहनी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि ठंड भी है धूप भी है, तो इस मौसम में बहुत खतरा होता है तबीयत खराब होने का। तो इसलिए इस मौसम में कुछ भी हो घर में एक जैकेट तो पहन के रखो, वो हमारी सेफ्टी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फ्रेंड बाकी पापा मम्मी बहनें सब उसमें बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, तो मैं लगा चलो अपनी फैमिली से मिल लिया जाए। आप आपसे बढ़िया होंगे, अपना ध्यान रखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, सब थोड़ी देर बाद मिलते हैं डिनर डे से पहले, या उसके बाद जब भी मिलते हैं, टिल देन अपना ध्यान रखना, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। फ्रेंड्स ये सब लोग शरीर बाकी ना देख सकता, अभी टाइम हो चुका है 11:25, एंड सब जा चुके अपने रूम में सोने के लिए। अब तो बैठ कर सब ऐसे बैठ कर बैठ के बातचीत कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा सा बैठ के सब थोड़ा सा, एंड बैठने के बाद अभी भी सब उठ के जस्ट गए हैं 2 मिनट पहले। तो मैं सोच चलो आपसे मिल लिया जाए, आई होप आप सबने डिनर कर लिया होगा, हमने डिनर कर लिया है। एंड डिनर खाना पीना स्वेटर पहनना है सब टाइम पे करो, क्योंकि ये जैसे हर बार बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो फ्रेंड्स बाकी आई होप आपको मैं आज का अच्छा लगा हो, आपको मैं आज का ब्लॉग अच्छा हो, तो ब्लॉग का बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करना, रीति रिवाज पूरे करना, एंड कीप सपोर्टिंग मी कीप लविंग मी। एंड जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे मंडे टू सैटरडे ब्लॉग के कमेंट में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, संडे में आपको उसका Q&A सीरीज में मैं आपको उसका आंसर दूंगा। सो जैसे कि अभी आपका संडे आने वाला है, तो मुझे कुछ क्वेश्चन मिल चुके हैं वैसे, लेकिन तो आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो आप मेरे ब्लॉग के कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको Q&A सीरीज में दूंगा। तो चलो फ्रेंड्स बाकी आई होप सो आपको मैं आज अच्छा लगा हो, आपको मैं आज अच्छा लगा तो रीति रिवाज पूरे करना, लाइक कमेंट शेयर, एंड आपको अच्छा होने चाहिए मैं नहीं तो अच्छा करना सब्सक्राइब। कल मिलते हैं ऐसे बड़े से ब्लॉग के साथ, टिल देन में पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत 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 प्यार भरा गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। सो कल मिलते हैं बड़े ऐसी सुबह के साथ, कल मिलते हैं चलते चलते गेट है।